तो देखो बच्चों, आज अपन कर रहे हैं इम्प्लिसिटी चेक। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस किस के हिसाब से, एनमेट और स्नैप के हिसाब से। इम्प्लिसिटी चेक का मतलब क्या होता है कि कई चीजें होती हैं जो बोली नहीं जाती पर इम्प्लाइड होती है, जो आपने कहा है उसमें उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसका मतलब बताना। मैंने बोला कि भैया आप इस डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ए को दिखाओ आप, तो क्या ये अज्यूम्ड है या क्या ये इम्प्लाइड है कि डॉक्टर ए एक अच्छे डॉक्टर है? यस सर, मैंने तो बोला ही नहीं आपको कि वो अच्छे डॉक्टर है, मैंने तो केवल इतना बोला है कि उनको दिखाओ, है पर ना? सर रेकमेंड कर रहे हैं तो मतलब अच्छे से ही कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, खत्म। आप समझ गए इम्प्लिसिटी क्या होता है? यही इम्प्लिसिटी होता है कि जो बात डायरेक्ट नहीं बोली गई पर वो उसमें इम्प्लाइड है, अज्यूम्ड है। क्लियर है बच्चों इम्प्लिसिटी क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, है नो ना? सर, तो अब इम्प्लिसिटी यदि अपन पढ़ते हैं तो फिर वही, कल जैसे अपन ने किया था कोर्स ऑफ एक्शन में, पांच ऑप्शन थे ना, इसमें भी क्या होगा, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा आपको, एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको उसके बोले जाएंगे दो कि ये दोनों में से कौन सा इम्प्लाइड है, केवल फर्स्ट इम्प्लाइड है, केवल सेकंड इम्प्लाइड है, दोनों इम्प्लाइड है, दोनों में से कोई सा एक इम्प्लाइड है या दोनों इम्प्लाइड नहीं है। ठीक है, समझ गए? क्लियर यस है? सर, बढ़िया। तो यस सर, अब अपन ये जो होता है, ये टॉपिक्स होते हैं, इनको सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का कि इनके क्वेश्चन सॉल्व करो, इनके क्वेश्चंस के थ्रू समझो, सबसे बेस्ट वे वही होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डू नॉट एंटर लिखा हुआ है, एक रूम है उसके बाहर लिखा हुआ है हॉस्पिटल में, डू नॉट एंटर, अवॉइड द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद एबीसी डिजीज, रिटन आउटसाइड द क्वारंटाइन वार्ड नंबर 2, मेंट ओनली फॉर एबीसी डिजीज ऑफ ए हॉस्पिटल। ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको कि एक हॉस्पिटल में एक कमरे के बाहर लिखा हुआ है कि एंटर मत करो। क्वारंटाइन का मतलब आप समझते हो, आइसोलेटेड वार्ड है वो, और ये आपका क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। डिजीज एबीसी इज कंटेजियस, कंटेजियस आप समझते हैं ना, जो फैल जाता है, एक से दूसरे को फैल जाता है, और ऑल द पेशेंट इन वार्ड नंबर 2 सफर फ्रॉम डिजीज एबीसी। तो आप लोग आंसर देना शुरू कर सकते हैं अभी। सक्षम करेक्ट, अमन करेक्ट, जैसल करेक्ट, आदित्य मेहुल, एवरीवन मत करो, आदित्य करेक्ट, अदिति रॉन्ग, याशी रॉन्ग, जानवी रॉन्ग, अंजलि मेहता करेक्ट, प्राशुक करेक्ट, वरुण रिप्लाई टू एवरीवन मत करो, ऐश्वर्य करेक्ट, अनुपम रॉन्ग, राहुल करेक्ट, कृपा करेक्ट, रक्षित करेक्ट, अदिति करेक्ट, ऋतिक करेक्ट। ऋतिक क्लास के बाद कॉल करना। ठीक है बच्चों, टाइम अप। तो पहला क्वेश्चन था, अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, ज्यादातर बच्चों का करेक्ट आंसर आया। देखो भाई, अब इसने बोला है कि उस वार्ड में एंटर मत करो, है ना, अवॉइड द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। इसका मतलब यदि आप एंटर करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसका मतलब वो कंटेजियस है, तभी तो इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात, ऑल द पेशेंट इन वार्ड नंबर 2 सफर फ्रॉम डिजीज एबीसी। अरे हाँ भाई, तुम कोविड वाले में किसी बुखार वाले को रख दोगे क्या? कोविड वाले में कोविड वाले ही रहेंगे ना, क्योंकि किसी और को रख दोगे तो उसको भी हो जाएगा। तो ये भी इम्प्लिसिट है कि उसमें सारे जो पेशेंट है वो एबीसी डिजीज वाले। बोथ आर इम्प्लिसिट इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सिटी जेड पीपल प्रिफर टू बाय कार एक्स इंस्टेड ऑफ कार वाई। एक कोई सिटी है जहां पे लोग है ना एक्स कार खरीदना ज्यादा प्रिफर करते हैं वाई की जगह, क्योंकि कार एक्स में जर्मन टेक्नोलॉजी है, विच इज एडवांस, विच इज वेरी एडवांस। ठीक है, ये दे रखा है। फर्स्ट, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, आप आंसर दीजिएगा। अब आंसर दीजिए। जैसल, अमन, प्राशुक, सक्षम, मेहुल, कुश, कृपा, ये सारे सही हैं। गोपेल रॉन्ग, वरुण करेक्ट, राहुल करेक्ट, आदित्य करेक्ट, उदित करेक्ट,
ऋतिक करेक्ट, अक्षत एवरीवन पे मत करो। अनुपम करेक्ट, याशी करेक्ट, ठीक है टाइम अप। तो बच्चों मैंने कल भी बोला था आप लोग खुद को स्कोर देते रहो, इससे आपको आइडिया रहेगा कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितना समझ पा रहे हैं, कितना क्या गलत हो रहा है सही हो रहा है ना। तो खुद के टिक क्रॉस करते रहना, मैं लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से। तो इसका आंसर है ओनली वन। अच्छा देखो ये क्या, इसने साफ साफ बोला है कि कार एक्स के ज्यादा बिकने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये बोला गया है। इसका मतलब जर्मन टेक्नोलॉजी को अच्छा माना जाता है, कार्स विद जर्मन टेक्नोलॉजी आर परसीव टू बी बेटर। हाँ बिल्कुल, ये तो साफ साफ बोला ही गया है, ये इम्प्लिसिट है। सेकेंड कि यदि जर्मन टेक्नोलॉजी कार वाई में भी होती तो कार वाई ज्यादा बिकती। अरे भाई ये कैसे कह सकते हैं यार। अच्छा अब कार एक्स और वाई दोनों भी जर्मन टेक्नोलॉजी होती तो फिर मैं कुछ और देखता कि इंटीरियर किसका अच्छा है, या फिर या अलॉय व्हील्स किसमें मिल रही है, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो यार, नहीं समझे बात। जब दोनों में जर्मन टेक्नोलॉजी मिल रही है तो कोई और फैक्टर काम में आता। मैं ये नहीं कह सकता कि वाई में भी जर्मन टेक्नोलॉजी होती तो वो एक्स को भी पीछे छोड़ देती, नहीं ये बिल्कुल नहीं कह सकता। क्लियर है, थर्ड पे मैं आ रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना, एक बार रुक रहो 1 सेकेंड। हाँ अब आंसर दीजिए। रेलवे डज नॉट प्रोवाइड कंसेशन टू एनीवन फॉर ट्रेवलिंग टू सर्टेन हॉलीडे डेस्टिनेशंस। देखते हैं किसका सही आता है आंसर। ये कौन रिकॉर्डिंग किया, लाउड होता है? अच्छा मेरी रिकॉर्डिंग है, नहीं है? अच्छा मेरे को लगा तुम लोग भी कर सकते हो। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं, बहुतों के आंसर आ गए। हाँ ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, किसने सबसे पहले आंसर दिया, कहाँ गया कहाँ गया। चलो नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, बस आप आंसर मत देना कोई भी। उदित रॉन्ग, ऋतिक रॉन्ग, प्राशु करेक्ट, अंजलि रॉन्ग, गोपिल रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, कृपा रॉन्ग, कुश करेक्ट, भव्य रॉन्ग, जन्मे रॉन्ग, जानवी रॉन्ग, दीपेश रॉन्ग, मधुर रॉन्ग, अमन रॉन्ग, अक्षत खाटूवाला रॉन्ग, ऐश्वर्य रॉन्ग, मेहुल करेक्ट, अनुपम रॉन्ग, हर्ष पारी करेक्ट, वेदांशी रॉन्ग, जैसल रॉन्ग, वरुण रॉन्ग, वरुण करेक्ट, वरुण करेक्ट, याशी रॉन्ग, सक्षम रॉन्ग, बस हो गया। अदिति का रॉन्ग। चलो तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ। अरे भाई ओ सॉरी बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ ढंग से समझना, इसको कैसे समझना है क्वेश्चन को, उस पर ध्यान देते हैं। रेलवे डज नॉट प्रोवाइड कंसेशन टू एनीवन फॉर ट्रेवलिंग टू सर्टेन हॉलीडे डेस्टिनेशन। कुछ हॉलीडे डेस्टिनेशन ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल शिमला का नाम ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप शिमला जाओगे ना तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये दूसरी जगह डिस्काउंट मिलता है क्या यार? मेरे को एक बात बताओ, यदि कहीं पर भी जाने पे डिस्काउंट नहीं है, कहीं पर भी जाने पे डिस्काउंट नहीं है, तो मैं ये क्यों बोलूंगा कि शिमला पे डिस्काउंट नहीं है? भाई जब कहीं पर भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो शिमला को अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अलग से बोल रहा हूँ शिमला पे डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब कहीं और मिलता होगा। समझ में आया बच्चों? तो सेकंड वाला तो इम्प्लिसिट हो गया इससे। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले की। अरे रेलवे सर्विस अवेलेबल होगी तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं शिमला पे ट्रेन ही नहीं जाती होगी तो मैं बोलूंगा कि शिमला जाने पर डिस्काउंट की, मैं बात ही नहीं करूंगा उस चीज की, यदि शिमला की ट्रेन अवेलेबल ही नहीं होगी तो। इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। किसी को दिक्कत है? हाँ इसमें ये सेकंड वाले पॉइंट का समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा बोलो?
सर जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो इसमें पर्संस वाली बात कहाँ से आई? सर्टेन पर्संस फॉर ट्रेवलिंग टू। हाँ भाई, कई कई लोगों को डिस्काउंट मिलता होगा भाई, किसी का कार्ड होंगे या कोई सीनियर सिटीजन होंगे तो कई लोगों को तो मिलता ही होगा ना, इसलिए उसमें बात की। पर सर अपन तो स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं ना कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कंसेशन, तो फिर जब वो कंसेशन टू एनीवन, तो फिर यहाँ पे हाँ सर्टेन पर्संस कैसे आए? बेटा, ये उस पर्टिकुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं कि इधर जाओगे ना तो किसी को भी किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं है, अच्छा ठीक है पर सर। बाकी जगह तो हो सकता होगा ना, इसलिए क्लियर है। अभी हाँ सर। तक ऐसा कोई है जिसके तीनों करेक्ट हुए हैं? सर मेरे मेरे बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया, वेरी गुड। चलो अच्छा है, मेंटेन करो। फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक बार मैं चैट में पहले डाल दूं, फटाफट मिस हो जाते हैं रिस्पॉन्सेज ना। अब ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको नीचे कर देता हूं क्योंकि पूरा दिखेगा नहीं। ये लो, ट्रेवलर्स विद टिकट फॉर सेकंड क्लास इफ फाउंड ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट वुड बी पेनलाइज्ड। नोटिस इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। चलिए, बहुत सारे आंसर आ गए, अब एक साथ डिस्कस करते हैं किसके सही किसके गलत है। पहले मैं खुद देख लेता हूँ। चलो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, देखते हैं किसका करेक्ट आंसर है। मधुर करेक्ट, अंजलि करेक्ट, राहुल अग्रवाल रॉन्ग, जानवी करेक्ट, अक्षत खाटूवाला रॉन्ग, अमन करेक्ट, प्रियांशु रॉन्ग, भव्य रॉन्ग, कृपा रॉन्ग, उदित करेक्ट, यश रॉन्ग, अदिति रॉन्ग, ऋतिक करेक्ट, आदित्य झालानी करेक्ट, गोपिल पाटोदिया करेक्ट, तुषार रॉन्ग, ऐश्वर्य करेक्ट, सक्षम सेठी रॉन्ग, जन्मय करेक्ट, याशी रॉन्ग, वरुण रॉन्ग, प्राशुक रॉन्ग, मेहुल हल्दिया करेक्ट, वेदांशी रॉन्ग, कुश रॉन्ग, जैसल करेक्ट, हर्ष पारिक करेक्ट। बस हो गया, तुमने आंसर भेजा ही नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं, तो बहुत बच्चे रॉन्ग हुए इसमें, बहुत बच्चे ना, तो देखते हैं क्या चक्कर रहा, क्या गलती हुई। देखो इसमें क्या बोला गया कि एक वो नोटिस लगाया हुआ है, ट्रेन होती है ना लोकल ट्रेन जैसे मुंबई में चलती है जनरली, तो उसमें नोटिस लगा हुआ है कंपार्टमेंट में कि भैया यदि आपने सेकंड क्लास का टिकट लिया है और आप फर्स्ट क्लास में चढ़ गए तो फाइन लगेगा आप पे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या दिक्कत है यार, मतलब आप बोल रहे हो सेकंड क्लास वाले फर्स्ट क्लास में अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट क्लास वाले सेकंड क्लास में? अब वो ये भी हम अलाउड अपने मन होंगे। से नहीं मान सकते कि वो अलाउड नहीं है भाई, आपको जो बात बोली गई है ना वही उसी पे जज करना है, आप मन से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते हो। आपको ये बोला गया कि सेकंड वाले फर्स्ट में नहीं आएंगे, है कि नहीं? तो फर्स्ट वाले सेकंड में हम नहीं बता सकते, इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते अपन कि ये सही है या गलत, इसलिए ये वाला तो गया काम से। आगे चलते हैं, इंस्पेक्शन होते होंगे। अरे यार इंस्पेक्शन होते होंगे तभी तो चेक करके तभी तो पेनल्टी लगेगी, यदि इंस्पेक्शन ही नहीं होंगे तो कहीं से भी टिकट लेके किसी में भी जाओ, क्या ही दिक्कत है, समझ गए? तो इसका ओनली सेकंड होगा, किसी को भी दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं।
नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा मैं नंबर डाल दूं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, चलिए बहुत टाइम दे दिया, अब डिस्कस करते हैं। चल देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। गोपेल प्राशोक, अब पीयूष रॉन्ग। अरे अनुपम भाई जल्दी भेजा करो। अनुपम रॉन्ग, भव्य रॉन्ग। अब बताओ आंसर मत भेजना कोई भी। अरे अनुपम रॉन्ग, भव्य रॉन्ग, पीयूष रॉन्ग, गोपेल प्राशोक करेक्ट, वेदांशी रॉन्ग, अदिति रॉन्ग, कृपा रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, अंजलि रॉन्ग, राहुल रॉन्ग, सक्षम करेक्ट, मधुर रॉन्ग, मेहुल करेक्ट, तुषार रॉन्ग, जन्मे रॉन्ग, अमन करेक्ट, ऋतिक करेक्ट, उदित करेक्ट, यश, जैसल, रक्षित करेक्ट, अक्षत, याशी, वरुण रॉन्ग, ऐश्वर्य करेक्ट, जानवी रॉन्ग, कुश करेक्ट, हर्ष पारिक करेक्ट। बस तो बता दिया जो भी सही थे गलत थे। अब डिस्कस करते हैं, इसका आंसर होना चाहिए बोध। बोध क्यों होना चाहिए समझते हैं। मैं ये बोल रहा है कि 3 साल से, पिछले 3 साल से नाइजीरिया में डीजल के, ओनली ओनली इन नाइजीरिया, मतलब नाइजीरिया एक इकलौता ऐसा जगह है जहां पर पेट्रोल के प्राइस चेंज नहीं हुए। अच्छा, ओनली वर्ड की वजह से हम ये कह सकते हैं कि और कहीं तो चेंज हुए होंगे। यदि और कहीं भी चेंज नहीं होते ना, होते या नहीं होते, तो ये ओनली वर्ड डिफरेंस क्रिएट कर रहा है अपना। ओनली बोला गया है मतलब केवल नाइजीरिया ऐसा जगह है, समझ गए? तो इसकी वजह से अपन सेकंड आंसर कर सकते हैं। नहीं, इसकी वजह से अपन फर्स्ट आंसर कर सकते हैं कि एल्सवेयर तो चेंज हुए हो। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड बोल रहा है कि 3 साल से पहले नाइजीरिया में कोई दूसरे रेट थी। अरे थी यार, तभी तो 3 साल बोला उसने। सपोज करो 3.5 साल से चेंज नहीं हुए, तो वो 3 साल की जगह 3.5 साल बोलता ना। 3 साल से पहले कोई डिफरेंट रेट होगी, पक्की बात है, तभी उसने 3 साल बोला है कि नहीं? किसी को दिक्कत है तो डिस्कस करो नहीं सर, सर। बट नहीं होगी तो भी क्या दिक्कत है, उसने उसको 3 साल का पीरियड देखना था, उसने 3 साल का पीरियड देख लिया सर। बेटा ऐसा नहीं होता है। 3 साल ऐसे तो मैं फिर 3 साल में 2 दिन भी बोल दूंगा कि 2 दिन पहले तक यही रेट थी। जब उसने 3 साल बोला है ना, इसका मतलब 3 साल हो गए रेट चेंज हुए। उसको नहीं देखना 3 साल का, 3 साल हो गए रेट चेंज हुए, 3 साल से रेट चेंज नहीं हुई है, ये है, समझे आदित्य? जी सर, अरे बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, बहुत लॉजिकल सा है। इफ पार्किंग स्पेस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस, पार्क योर व्हीकल्स इन द मॉल एंड वॉक टू द ऑफिस।
चलो भाई, बहुत टाइम दे दिया है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही करते हैं, किसने आंसर दिया था। आपको आंसर मत देना है ना। अरे कहाँ गया यार। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ मैडम से। ठीक है सबसे स्टार्ट कर रहे। मधुर रॉन्ग, अदिति करेक्ट, दिव्यांशी, वरुण, पीयूष रॉन्ग, आदित्य आदित्य और ऋतिक, ऐश्वर्य, विदांशी, उदित, राहुल अग्रवाल करेक्ट, मेहुल रॉन्ग, रक्षित करेक्ट, जानवी करेक्ट, यश करेक्ट, तुषार करेक्ट, अंजलि मेहता करेक्ट, जन्मय रॉन्ग, अक्षत, अमन, कृपा, प्राशुक, कुश, गुपिल, सक्षम, जैसल, हर्ष पारी करेक्ट। अब ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका अभी तक 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं? 6 के 6 तो आई थिंक किसी के भी सही नहीं हुए। है कोई इसके 6 सही चल रहे हैं? 6 सही है कोई बच्चों? 5? यस सर, 5 करेक्ट। यस अरे सर, बढ़िया, 5 पे हो ना अमन, वेरी गुड। यस सर, ऐश्वर्य तुम भी हो क्या? हाँ सर, अरे बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। अच्छा ऋतिक भी है और जैसल भी है, उदित 4 सही पर है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक हम भी सब है। 5 पे हो। अच्छा प्राशु आप भी 5 पे हो, ठीक यस सर, है। अपन शायद डिस्कस ये ना, मैं 7 डाल रहा हूँ। 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बहुत सारे आंसर आ गए हैं, 25, 26, 27 हो गए, अब डिस्कस करें, ठीक है। ठीक है, पीयूष, अमन, आदित्य, झालानी करेक्ट, प्राशुक, मधुर रॉन्ग, भव्य गुप्ता करेक्ट, अदिति 2 आंसर है, 1 ही 2, कृपा करेक्ट, राहुल रॉन्ग, यश करेक्ट, मेहुल रॉन्ग, विदांशी करेक्ट, अक्षत रॉन्ग, कुश, वरुण, जन्मय करेक्ट, तुषार रॉन्ग, दिव्यांशी, ऐश्वर्य, उदित, अंजलि करेक्ट, सक्षम रॉन्ग, जानवी रॉन्ग, रक्षित करेक्ट, याशी करेक्ट, गोपिल, जैसल, हर्ष पारिक करेक्ट। अब डिस्कस करते हैं क्या था। फार्मर्स मस्ट इमीडिएटली स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर बेटर यील्ड। अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करो, फार्मर्स को करनी चाहिए। ऑल द फार्मर्स यूज ओनली केमिकल फर्टिलाइजर्स। बच्चों ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ऑल ओनली, ये क्वेश्चन को हाथों हाथ गलत कर देते हैं भाई। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स होता मैं फिर भी सोच सकता था, ऑल मतलब सारे के सारे फार्मर्स है ना, वो केवल केमिकल यूज करते हैं। अरे यार ये कैसे कह सकते हो, ज्यादातर करते होंगे, ये फिर भी कह सकते हैं। ऑल तो एक्सट्रीम कर देता है, ओनली वर्ड ये बहुत ध्यान से पढ़ना, कभी भी क्वेश्चन में है ना तो फर्स्ट वाला इसलिए रॉन्ग है। सेकंड वाला, अरे यार मैं आपको कोई चीज खरीदने को बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भैया कोई भी चीज के लिए बोलता हूँ कि ये ले लो,
जाके मार्केट से, इसका मतलब मार्केट में वो चीज मिल रही होगी। यदि कोई चीज नहीं मिल रही होगी तो मैं बोलूंगा आपको कि ये जाके ले लो, समझ गए ना? तो ये इम्प्लिसिट है, यदि मैंने आपको कोई चीज खरीदने को बोला है तो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ये लो भैया, चलो भाई 25 हो गए हैं। और कोई बच्चा कर रहा है क्या आंसर? जल्दी कर दो, लास्ट 3-5 सेकंड दे रहा हूं। चलो डिस्कस करते हैं, अब मत करना आंसर। ठीक है, पढ़ लिया मैंने, तो आंसर होना चाहिए इसका अदिति रॉन्ग। अब करेक्ट है अदिति, दो आंसर मत दो बेटा, एक ही दो, जो भी दे रहे हो सोच के। ठीक है, भव्य पीयूष अमन चन्मय चांदवी रक्षित खुशी मधुर उदित वरुण यश कृपा मेहुल वेदांशी अंजलि दिव्यांशी तुषार जैसल प्राशुक राहुल आदित्य ऋतिक अक्षत कुश ऐश्वर्य सक्षम गोपिल हर्ष। ऑल करेक्ट, एक बच्चे का नाम भूल गया बीच में, याशी आपका रॉन्ग है, बाकी ऑलमोस्ट सबका, ऑलमोस्ट सबका ये करेक्ट है। देखो भाई दो चीजों की बात हुई है यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट है कि भाई हमारी रेट है ना कम है दूसरे बैंकों की रेट से, तो भाई दूसरे बैंक भी वो लोन देते होंगे तभी तो कम है। आप कंपेयर किससे कर रहे हो, कम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? तो दूसरे बैंक भी लोन देते होंगे, और जब आप ये बोल रहे हो कि हमारी कम है, इसका मतलब अलग अलग बैंक अलग अलग रेट ले रहे हैं, इससे सेकंड इम्प्लिसिट हो गया। बोथ बोथ इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसमें एक 9। डाउट था हाँ बोलो। सर, इसमें जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ना वो समझ में तो आ रही है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं लग रही। मतलब वो बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस सी चीज है कि अगर हर बैंक की अलग अलग रेट होगी तो वो देते तो होंगी। हाँ तो ऑब्वियस सही आंसर है भाई, आप सही बोल रहे हो एकदम, पर ऑब्वियसली आंसर है, मतलब बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए ना, यही बोल रहे हो ना? नहीं सर, मतलब फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा इररिलेवेंट लगा कि मतलब एकदम इरेलीवेंट नहीं बहुत है, ज्यादा हो। इरेलीवेंट नहीं है, रिलेवेंट तो है भाई, ये वो यही तो हो रहा है कि दूसरे बैंक लोन प्रोवाइड करते हो, हाँ करते तो है, हाँ मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इरेलेवेंट बहुत बोला ज्यादा था। ऑब्वियस कह सकते हो आपकी सर, ये तो लग ही रहा है, मतलब हाँ इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ वो है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, इरेलीवेंट नहीं है। ठीक है ओके सर, और बढ़िया, मोबाइल फोन। चलो भाई 27 आंसर आ गए, अब और आंसर मत देना, आप डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है।
खुशी करेक्ट, मधुर अंजलि रॉन्ग, मेहुल करेक्ट, अनुपम अदिति तुषार राहुल कृपा करेक्ट, जानवी रॉन्ग, उदित करेक्ट, ऐश्वर्य करेक्ट, वरुण रॉन्ग, कुश कुश का करेक्ट है, भव्य करेक्ट, प्रशु करेक्ट, रक्षित यश करेक्ट, अमन रॉन्ग, जैसल करेक्ट, आदित्य पीयूष अक्षत जन्मय करेक्ट, गोपिल करेक्ट, ऋतिक हर्ष बारिक करेक्ट। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि आपके फोन में जो भी दिक्कत हो हमारे पास ले आओ, है कि नहीं, हम सही कर देंगे। पर इसने ये बोला है कॉन्टेक्ट और हेल्प डेस्क इमीडिएटली। ये इमीडिएटली का क्या सेंस है यहाँ पे बच्चों? वो समझाएगा कोई मुझे, मतलब जल्दी से जल्दी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जल्दी से जल्दी क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, पहली बात तो हेल्प डेस्क इज सॉल्यूशन टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो भैया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बच्चों रीजनिंग में कोई भी डाउट हो मेरे पास ले आना, तो क्या मैं सारे रीजनिंग के डाउट सॉल्व कर सकता हूँ क्या? हाँ नहीं, सर, पर मेरा मानना है कि मैं कर सकता हूँ, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई। यहाँ पे अजम्पशन की बात हो रही है, एक्चुअल में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? हो सकता है आप कोई बहुत भारी सेट ले आओ, मैं कर पाऊंगा क्या? पता नहीं, नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा मानना है, मेरा अजम्पशन है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई कोई भी डाउट हो ले आना। तो जब हेल्प डेस्क आपको ये बोल रहा है कि आपकी कोई भी दिक्कत हो हमको जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करो, इसका मतलब वो आपकी कोई भी दिक्कत दूर कर सकता है। समझ में आया नहीं आया? यस सर, दूसरा, यस यदि आपने हाथों हाथ रिपोर्ट नहीं की ना प्रॉब्लम, तो दूर ही नहीं होगी। अरे ऐसा नहीं है यार, वो तो बोले कि जल्दी ले आओ भाई, जल्दी से सही करेंगे, और तो क्या। पर ऐसा नहीं है, यदि जल्दी नहीं लाया तो वो दिक्कत ही दूर नहीं होगी। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं है दिक्कत, ठीक है। अरे कहाँ गया? और बढ़िया, इजी क्वेश्चन है, इजी इजी, बकवास क्वेश्चन, इजी। इसका गलत आंसर मत देना बच्चों। हाँ मैं भी खाऊंगा। हाँ चलो बच्चों, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे आंसर आ गए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बकवास बकवास। देखते हैं किसका सही आंसर आया है, स्टार्टिंग से देखेंगे कहाँ गया। हाँ, पारी करेक्ट, दिव्यांशी, मेहुल, अमन, जैसल, यश, रक्षित, जानवी, सक्षम, अक्षत, ऐश्वर्य, अंजलि, प्राशुक, उदित, कृपा, याशी, तुषार, कुश, आदित्य जालानी, ऋतिक खुटेटा, राहुल, खुशी, गोपिल, वरुण, जन्मय, मधुर, विदांशी, ऑल करेक्ट, भव्य रॉन्ग। इसका आंसर होगा बोथ, बोथ रॉन्ग, सॉरी, बोथ रॉन्ग, मतलब दोनों ही गलत है। भाई देखो, मैं बोलता हूँ कि भैया एप्टीमीनिया ज्वाइन करो, वहां कैट में सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट सिलेक्शन नहीं कराता, नहीं कर रहा ना ऐसे, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना, इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरा कोई प्रोडक्ट करता ही नहीं होगा भाई। ये ऐसे ही तो बोल रहा है कि मेडिसिन हमारी यूज करो, आप पतले हो जाओगे भाई। पहली बात तो बच्चों, दवाइयां से कभी पतले ही नहीं होते, है ना? तो
है ना। तो पहली बात तो ये हो गई कि आप दूसरी मेडिसिन के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरी बात ये बोल रहा है कि ओबेसिटी को है ना बिना दवाई के तो आप पतले हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते। इसका आंसर होगा नन फॉलो, दोनों ही आंसर नहीं हो सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। नहीं बेटा क्या ही कराते हैं। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। चलो अब कोई आंसर मत भेजना। स्टार्ट करते हैं। तुषार, पीयूष, रक्षित करेक्ट है, उदित रॉन्ग, मधुर रॉन्ग, भव्य गुप्ता रॉन्ग, राहुल, दिव्यांशी, कृपा, ऋतिक, मेहुल, ऐश्वर्य, प्राशुक, वेदांशी, आदित्य, जालानी करेक्ट, यश रॉन्ग, अंजलि करेक्ट, वरुण, खुशी, अदिति, अक्षत, चन्मय, जानवी, जैसल, कुश, गोपिल, अमन, हर्ष, पारिक करेक्ट। बच्चों अर्बन एरिया की बात की है तो रूरल एरिया में कोई बीपीएल नहीं होगा। अरे यार उसकी बात ही नहीं की, उसके बारे में कहना ही नहीं है कुछ, सीधी सी बात है, नहीं कहना कुछ उसके बारे में। अरे यार मैं कैसे बोल रहा हूँ कि बढ़ गए, इसका मतलब मेरे को पिछले साल के भी नंबर पता है, तभी तो मैं कह पा रहा हूँ कि बढ़े हैं या कम हुए। इसका मतलब सेम सर्वे लास्ट ईयर भी हुआ था, हुआ था। ठीक बात है, ओनली सेकेंड क्यों डागा, सही बात है। तुम्हारे तो आंसर नहीं आ रहा। अरे ये अच्छा क्वेश्चन है, पेरिस का है बच्चों, पेरिस का क्वेश्चन है, ये करते हैं देखो। पहली चलो भाई 26-27 आंसर आ गए, हम डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से कर रहे हैं। जानवी, एक सेकंड में आंसर तो देख लूंगा क्या था। द ट्रेन सर्विस इज रीजनेबली गुड, फेयर इज एक्सपेंसिव, ठीक है चलो करते हैं डिस्कस। तो जानवी अदिति करेक्ट, जन्मय रॉन्ग, अंजलि वरुण करेक्ट, उदित खुशी रॉन्ग, मधुर एकदम रॉन्ग, मेहुल हल्दिया, तुषार सिंह करेक्ट, पीयूष रॉन्ग, ऐश्वर्य करेक्ट, रक्षित दिव्यांशी, अमन प्राशुक याशी करेक्ट, जैसल रॉन्ग, कृपा
करेक्ट राहुल अग्रवाल, रॉन्ग ऋतिक, रॉन्ग आदित्य, कुश, करेक्ट सक्षम, रॉन्ग अक्षत खाटूवाला, करेक्ट यश वेदांशी, रॉन्ग हर्ष पारिक, करेक्ट गोपिल, रॉन्ग डन। तो भैया क्या चेक करता है इसमें भाई, यहाँ पे खुद की नॉलेज यूज नहीं करनी है। तुमको पता होगा पेरिस एक्सपेंसिव है, सुना होगा, देखा होगा कईयों ने, लकी वंस, ठीक है। पर आपको इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर देना है बच्चों। मैं आपको पेरिस के बारे में ये बोल रहा हूँ कि यार कैब की जगह है ना ट्रेन से जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, कन्वीनियंट भी रहेगा, इकोनॉमिकल भी रहेगा। पहली बात, केवल ट्रेन के किराए या कैब के किराए से आप किसी सिटी को एक्सपेंसिव या वो कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। तो पेरिस इज एन एक्सपेंसिव सिटी? नहीं, हमको नहीं पता भाई एक्सपेंसिव है या नहीं है। दूसरा, ट्रेन सर्विसेज आर रीजनेबली गुड। अरे जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेन से जाओ, इसका मतलब ट्रेन की सर्विस अच्छी होगी, तभी बोल रहा हूँ ना भाई। ट्रेन हर 4 घंटे में एक बार आएगी तो बोलूंगा कि ट्रेन से जाओ, तो ये इम्प्लिसिट है कि ट्रेन की सर्विसेज आर रियली गुड, ठीक है। 13, और